हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और ये रहा आयन, आज इसका हिंदी का पेपर था। कैसा गया? अच्छा गया। इसके बाल भी बड़े हो गए हैं, अभी कटवाने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, है ना? आंखों के आगे आ रहे हैं, देखिए इसके बाल कटवाएंगे तो तेल लगवाना। आज है दिन फ्राइडे और अभी दोपहर के बज रहे हैं एक। चावल मैंने बना लिया है, सब्जी बनानी है क्योंकि कल शिवरात्रि थी तो हम लोग दिन भर जो है फास्ट का खा खा के एकदम बोर हो गए, तो आज कुछ हल्का खाने का मन कर रहा है तो मैंने चावल बनाया है और सब्जी बनाऊंगी। और उससे पहले मैं जाऊंगी अपनी बेडशीट धोने के लिए, दो बेडशीट है और पिलो कवर है, उनको वॉश करूंगी। बाकी के कपड़े मशीन में धुले हैं लेकिन बेडशीट हाथ से धोऊंगी और उनको ऊपर जाके सुखा के आऊँगी। काफ़ी तेज़ धूप है, घंटे भर में ही सूख जाएगी, तो चलिए फटाफट से मैं बेडशीट वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है आप लोगों को पता है, लाइक कीजिएगा। लाइक किए बिना मत जाया कीजिए, प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे गाइज मैं बालकनी में बैठ करके आज जो है बेडशीट वॉश करूँगी क्योंकि बाथरूम में मुझे बैठ करके धोने से क्या होता है ना कि एक तो रोशनी उतनी नहीं मिलती है जितनी ये बाहर की आप देख रहे हैं, और अभी जो है मैंने कपड़े भी नहीं सुखाए हैं बालकनी में। अभी जो छोटे छोटे कपड़े हैं आयन के जो मैंने मशीन से वॉश किए हैं वो मैं बालकनी में ही सुखा लूँगी, तार पे तीन चार तार जो है फोल्ड कर करके लगाए हुए हैं। सारे डेली के जो कपड़े हैं ऑलमोस्ट यहाँ आ जाते हैं। किसी दिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कपड़े होते तो मैं छत पे जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती हूँ। तो मैं यहीं पे बैठ के जो है चादर अच्छी से वॉश कर लूँगी ताकि मुझे अच्छी से दिख जाए कि साफ़ हो गया है ना। वैसे ये चादर थोड़ी गंदी हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने जो है रूम की क्लीनिंग की थी सैटरडे या संडे को शायद की थी, और डीप क्लीनिंग, तो उसमें जो है ये चादर उस दिन थोड़ी मुझे लगा कि ज़्यादा ही गंदी हो गई है, और ये बोले जब रूम क्लीन करना है तो इसे मत हटाओ, उसी दिन हटाएंगे फिर धो लेना बाद में। तो मैं उसी दिन इसको उठाई थी और फिर एक बार मैं समेट के रख दी थी और मैं इसे जो है धो ही नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो आज मेरे पास अभी टाइम है, कल तो फास्ट था मेरा शिवरात्रि का, उससे पहले था प्रदोष, तो दो दिन साथ साथ जो मैंने फास्ट किया तो मेरी बैटरी भी थोड़ी सी डाउन ही हो गई थी क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना कि मैं फास्ट तो कर लेती हूँ लेकिन मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है, लेकिन कर लेते हैं चलो, भगवान का नाम लेके अपने ही भगवान पार लगा देता है सारा दिन। थोड़ा बहुत कुछ फ्रूट्स वगैरह मैं खा लेती हूँ और उसके बाद में ना क्या बोलते हैं दो दिन के बाद, जब अभी मैं आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि आज मैं सुबह में जो है रूह अफ़ज़ा नींबू पानी ये सब भी पी और टाइम पे मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, तो मैं अभी जो है ये दोनों चादर को हाथ से ही धो रही हूँ। मशीन में कपड़े थे इसलिए अभी सुखाए नहीं है, मशीन भरी हुई थी तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही वॉश कर लेते हैं और ये वीडियो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो बस मैं इसे अच्छी तरीके से हाथों से पहले बाल्टी में ही मसल ली और जितना भी मैल था कट गया। आधी पौन घंटे भिगो करके छोड़ देने से क्या होता है ना कि मैल अच्छी से फूल जाता है, तो बस मैं हाथों से मसल के और फिर अब मैं इसमें ब्रश लगा करके इसे अच्छी तरीके से धो लूँगी दोनों चद्दर को, और पिलो कवर है दो, और धोने के बाद में फिर निचोड़ के ऊपर जाऊँगी और वहाँ पर सुखा के आ जाऊँगी ताकि घंटे भर में जो है चद्दर सूख जाएगी। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, मतलब इतनी तेज इमेजिन नहीं कर सकते हो आप कितनी तेज़ बताऊँ, आधी घंटे अगर कोई खड़ा हो गया ना तो बेहोश हो जाएगा, इतनी तेज़ धूप है गाइज। और हवा भी बड़ी अजीब सी चल रही है, ये फागुन का जो महीना होता है ना इसमें हाथ पैर भी एकदम खींचते हैं अजीब से, अगर आप उनको अच्छे से मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लगाओगे तो एकदम मतलब हाथ पैर एकदम ऐसे लगेंगे कि एकदम कुछ स्किन में एलर्जी सी हो रही है, अभी का जो मौसम है ना अच्छा नहीं लगता।
तो बस मेरी बेडशीट्स धुल गई है, मैं इनको 2 से 3 पानी से अच्छी से खंगाल ली हूँ और निचोड़ करके फिर जाऊँगी ऊपर और सुखा के आऊँगी। और मैंने आज शैम्पू भी किया था तो मेरे बाल जो है अभी गीले ही हैं, आप देख सकते हैं, मैंने बांधे नहीं है, ना कोई क्लचर लगा रखा है। इस मौसम में क्या है, सूख जाएंगे फटाफट ऊपर जाऊँगी तो, जितनी देर मैं बेडशीट्स सुखाऊँगी उतनी ही देर में मेरे बाल भी सूख जाएंगे, 2-4 मिनट इधर उधर कर लेंगे तो। और ये जो कैमरा मैन है ये मेरे साथ साथ ही चल रहा है और ऊपर आया है, तो बस मैं बेडशीट जो है अभी सुखा लूँगी। यहाँ पे हवा जो है काफ़ी तेज़ चल रही है तो मैं जो है इसमें लेकर के आई हूँ क्लिप लगाने के लिए बेडशीट में, और लगा दूँगी। और आज का व्लॉग जो है आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अच्छी से झाड़ करके सुखा देंगे ताकि कपड़े में जो है धूप लगने के बाद काफ़ी अच्छी चमक भी आती है, इसीलिए मैं बेडशीट लेके ऊपर ही आ गई सुखाने के लिए। आप देख सकते हैं नीचे बालकनी छोटी होने की वजह से जो डबल बेड की बेडशीट है वो तो बिल्कुल भी नहीं सुखा पाती हूँ, तो ऊपर ही आना पड़ता है। तो चलिए फिर मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे जल्दी ही अगले एक अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।